हेलो, माय नेम इज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। सो मैंने एक्चुअली 3 दिन से काफ़ी वीडियोस बनाने की कोशिश करी और 4-5 वीडियोस बने भी जो कि 1-1 घंटे के थे और मैं लगातार बोल रहा था उसमें, पर वो वीडियोस किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो मुझे लगा शायद भगवान ये सिग्नल दे रहा है कि जो तुम बोल रहे हो इस बारे में अब ज़्यादा बात मत करो, किसी और टॉपिक पर बात करो। तो आज सुबह मैं अपने भाई से कुछ बात कर रहा था और उसी बीच मेरी कुछ मेंटर्स को लेकर बात हुई और तब मैंने सोचा कि मेंटर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद मैंने छुआ नहीं है और इस बारे में आपसे बहुत डिटेल में बात नहीं करी। और मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप एक सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो, इवन देन यू नीड अ राइट मेंटर टू गाइड यू वेयर टू गो एंड गिव यू द डायरेक्शन इन विच यू वॉन्ट टू मूव। मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स आए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स आए। और एक गोक्वेस्ट के मालिक थे जो विवेक लाठ थे, जब मैं उनके साथ रहता था तो मैं उनके जैसे ही एक्टिंग करने लगता था, उनके जैसे बोलने लगता था। एंड ही वॉज अ वेरी फियर्स लाइन लाइक पर्सनैलिटी, वेरी अल्फा मेल काइंड ऑफ पर्सन। देन देर वॉज अ गाय कॉल्ड एनॉर्मस में आशीष खजांची, जो कि CEO है उस कंपनी के। ही यूज टू मेंटर मी लॉट एंड ही वॉज अ वेरी 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 नाइस गाय। एंड देर वॉज अनदर गाय कॉल्ड शशि वर्मा, जो कि मुझे शोरगुल शूट पर मिले थे, जो मुझे बहुत मानते थे। और ऐसे और भी लोग मुझे काफ़ी मिले हैं मेरी लाइफ में, ये तो टॉप ऑफ माई हेड है। और इन सबको सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया वो मैंने ही किया है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड बहुत ही गंदा था एक टाइम में। और मैं सोचता था कि मुझे बहुत ज्ञान है, जो कि था, ज्ञान है बहुत ज़्यादा, पर जो ज्ञान है वो बेसिकली फैक्ट्स हैं जो बुक से पढ़े हैं, पिक्चरें देख के करी हैं। तो मैं सामने वाले को सबकॉन्शियसली उनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता था। और मैंने ऐसी कुछ गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से जो मेंटर्स मुझे मिले मैंने उनको नाराज़ कर दिया और आज वो मुझसे बात नहीं करते। और आई फील वेरी बैड फॉर इट कि मैंने किसी ना किसी जगह अपना ईगो की वजह से या अपने गुस्से की वजह से उन सबको लूज कर दिया। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम मेंटर खुद से चूज़ करना चाहते हैं कि हमें तो अनुराग कश्यप ही मेंटर चाहिए, हमें तो आदित्य चोपड़ा ही मेंटर चाहिए, हमें तो करण जौहर ही मेंटर चाहिए। हिंदू धर्म में एक कहावत है बड़ी अच्छी है कि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। उस चीज़ को हमेशा याद रखो कि किसी भी रूप में आपके आपका मेंटर आपको मिल सकता है और वो जो डेस्टिनेशन आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे आपको पहुँचा देगा, पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो जो अटमोस्ट बिलीफ है किसी भी मेंटर के ऊपर वो मुझे नहीं थी, वो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। मतलब कि हर आदमी जिसको भी आप मेंटर बनाओगे, अगर आप किसी बड़े आदमी को भी मेंटर बनाते हो, अमिताभ बच्चन को मेंटर बना लेते हो, अमिताभ बच्चन आपके मेंटर बन जाते हैं, तो जब आप उनके साथ रहोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर बहुत सारी फॉल्ट्स हैं। और जब वो फॉल्स आप देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो बिलीफ है ना वो स्ट्रांग होने के बजाय और वीक हो जाएगा। और आपको लगेगा ना यार ये भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर, ये भी तो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं या अनएथिकल चीज़ें करते हैं। और जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, आपने जो इमेज अपनी बनाई हुई है दिमाग में उसके विपरीत जाके वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं अच्छा लगता। एंड दैट इज़ वेर यू स्टार्ट लूजिंग योर बिलीव, यू स्टार्ट डिसबिलीविंग दैम एंड देन यू स्टार्ट हेटिंग दैम एंड देन यू से समथिंग एंड देन द रिलेशन सोर्स फॉर द लाइफ टाइम। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी को अपना मेंटर बनाया है तो उस पर 100% भरोसा रखना पड़ेगा, आपको 100% फेथ रखना पड़ेगा। वहीं पे गॉड का कॉन्सेप्ट आता है। जब मैंने ये गॉड का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भगवान क्या है। भगवान वो है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, एक ऐसा मेंटर है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है और आप उसे अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो और वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, क्योंकि भगवान तो आपकी इमेजिनेशन में है ना। कहने का मतलब ये है कि भगवान रूपी मनुष्य आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपको, पर जो भी मेंटर लाइफ में मिले हैं वो अपने आप ही प्रकट होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं चूज़ करूँ मेरे मेंटर कौन से होंगे, वो मेंटर आपकी लाइफ में आएंगे और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है आपका बड़ा भाई हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है आपके भाई का दोस्त हो, या कोई आपकी कंपनी का बॉस हो, या आपकी कंपनी में ही कोई काम करता है जो आपको हेल्प करे इन सब चीज़ों में। सो यू हैव टू सी देम एज मेंटर, इट्स नॉट ऑन देम दैट दे हैव टू टेक यू एज देयर डिसिपल, इट्स ऑन यू टू सी देम एज योर मेंटर एंड बिलीव देम 100%। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे कोई एक मेंटर मुझे मिला जो मुझे बहुत पसंद करता है और वो मुझे गाइड कर रहा है, तो उसकी गाइडेंस सुनने के बजाय मैं उसको जज कर रहा हूँ, मैं उसके एडवाइसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि ये सही होगा कि नहीं होगा। अरे टोनी रॉबिन्स ने, बॉब प्रॉक्टर ने तो कुछ और बोला था, नेपोलियन हिल ने तो कुछ और बोला था, ये तो कुछ और बता रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीव्स इन दिस वर्ल्ड, बट यू कैन ओनली स्टिक विद वन बिलीव, ओनली देन यू विल गेट सक्सेसफुल एंड नन ऑफ द बिलीव्स आर राइट रॉन्ग। विच एवर बिलीव विल टेक यू वॉट एवर प्लेस इट विल रीच यू टू अ डेस्टिनेशन। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के हजारों इनफाइनाइट रस्ते हैं। अगर आप डिसाइड कर लोगे कि ए से बी जाने का यही रास्ता है तो आप बाकी रास्ते एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। तो इसलिए जब भी आप कोई मेंटर बनाओ तो उसको ना बहुत ही ज़्यादा बिलीफ देनी पड़ेगी आपको, आपको उस पर शक नहीं करना है। एक लेश मात्र का शक भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको शक हुआ तो वो आपका मेंटर नहीं बन पाएगा और आप जिंदगी में कभी कुछ हो नहीं पाओगे। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेसफुल
लीव एवरी थिंग, स्टॉप रीडिंग बुक्स, स्टॉप डूइंग एनी थिंग, कुछ मत करो, जस्ट फाइंड अ राइट मेंटर. अगर एक राइट मेंटर मिल गया उसके बाद वो जो बोले आप वो करो. आप लोगों को मैसेज करो, मेल करो, जो भी लोग आप जिनको मेंटर बनाना चाहते हो उनको मेल करो. इफ दे टेक यू इन एज देयर डिसिपल एंड फॉलो देम फॉर वन ईयर और टू ईयर, जस्ट फॉलो देम व्हाटएवर दे से. अगर वो तुमसे भी बोले कि झाड़ू लगाओ मेरे घर पे, लगाओ. अगर वो बोले कि मेरे घर पे यू नो बाथरूम साफ करो, तो करो बाथरूम साफ करो. जैसा वो बोले, मतलब डू नॉट इवन डाउट अ सिंगल ऑर्डर दैट दे गिव यू. डू वॉट एवर दे टेल यू. दिस अटमोस्ट बिलीफ इज वॉट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल. दिस अटमोस्ट डेडिकेशन टूवर्ड्स अ पर्सन, टूवर्ड्स अ मेंटर, टूवर्ड्स समवन यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन विल गिव यू अल्टीमेट सक्सेस इन लाइफ. घूम फिर के सारा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हमारे दिमाग में ना बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डेटा भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है. हमें कोई भी चीज़ सही नहीं लगती, हम किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते. अगर आप रोड पे जाओ, आप देखो किसी भी दुकानदार पे आपको भरोसा नहीं है. सस्ता माल महंगा करके बेच रहा है, अरे खाने में कुछ ना कुछ पड़ा होगा, या बैक किचन में इसने कुछ गंदा कर रखा है. रेस्टोरेंट में जाके हम लोग अक्सर बोलते हैं. हमें रोड पे किसी पे भरोसा नहीं है, हमें अपने घर पे भरोसा नहीं, अपने भाई पे भरोसा नहीं होता है, हमें किसी पे भरोसा नहीं होता है. तो दिस स्केप्टिकल एटीट्यूड हैज़ बीन created because of the lack of faith and belief that has been created because we are never given ultimate faith on one thing. We have been told ki tum is pe bharosa karo, tum us pe bharosa karo, tum usse bharosa karo. Even jo bachpan mein hamare teachers hote hain, bahut sare teachers hote hain, matlab har class change hoti hai, naya teacher aata hai. There are some teachers we like, some teachers we don't like. Basic problem mujhe aisa lagta hai कि हम अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं. जो चीज़ हमारे को कैटर करती है हम बस उसी चीज़ को मानना चाहते हैं. अगर कोई चीज़ हमें कैटर नहीं करती तो हम उसको मानना नहीं चाहते. जबकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी आपको सही राय दे रहा है पर आप उसको इसलिए नहीं मानना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या मैंने पहले ऐसा होता हुआ कभी देखा नहीं है. तो आपको वो चीज़ दिमाग से निकालनी पड़ेगी, पूरी तरह से दिमाग साफ करना पड़ेगा. विवेक लाठ जब जो गोक्वेस्ट के ओनर थे तो उनके साथ जब मैं काम करता था तो मैं उनको फोर्स करता था कि सर मुझे आपसे मिलना है. मैं कहता सर मुझे एक्स्ट्रा सैलरी नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, और जो भी है मेरे को आपके साथ कॉफ़ी पीनी है, मुझे आपसे बात करनी है. तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ऑफिस के बाद उनके घर जाता था, उनके साथ बैठता था. वो किसी को नहीं बुलाते थे, सिर्फ मुझे बुलाते थे, वो भी मेरे इंसिस्ट करने पे. एंड कई बार मेरे साथ कॉफ़ी पीने भी आते थे. मैं उनको स्टारबक्स लेके आता था. मैं कहता सर ऑफिस में नहीं मिलूंगा, मैं आपसे बाहर मिलूंगा न्यूट्रल ग्राउंड्स पे, और मैं आपसे कॉफ़ी पीना चाहता हूँ. मैं उनके लेवल से बहुत जूनियर था, उसके बाद भी ही लव्ड वॉट आई यूज़ टू डू. और एक छोटे से इशू हुआ था, उसके चक्कर में मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी थी. और वैसे ही शशि जी थे जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें बताई कि क्षितिज जो तुम्हारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, बाकी तो सब कुछ है तुम्हारे अंदर. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती थी. एंड ही वुड प्रमोट मी एवरीवेयर, ही वुड हेल्प मी एवरीवेयर. आशीष खजांची से तो मैं सिर्फ मिलने गया था, इंटरव्यू लेने गया था, कॉफ़ी पीने गया था उनके साथ कि सर मुझे आपके साथ कॉफ़ी पीनी है. एंड उन्होंने मेरा काम देखा, मेरे से बात करी. एंड ही ऑफर्ड मी अ जॉब इन हिज फर्म. एंड दैट वॉज माई एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सपीरियंस. और मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ, पर कुछ दिन बाद मैं इरीटेट हो गया, बोर हो गया. जैसा कि मेरे अंदर एक वो इम्पेशेंट लड़का है, तो मैं बोर हो गया कुछ टाइम के बाद और मैंने वो जॉब के लिए भी रिज़ाइन कर दिया. और मेरे रिज़ाइन करने के बाद भी उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया वापस की वापस आके आप बेवकूफ़ी कर रहा है तो रुक यहाँ पे. मैं रुका दो दिन बाद, फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ करके. उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं करी. बेसिकली आई बिट्रेड हिज ट्रस्ट एंड आई हैव बिट्रेड ट्रस्ट ऑफ सो मेनी पीपल. सो वन ऑफ द रीजन्स कि मुंबई में मेरा जो स्ट्रगल था वो थोड़ा लंबा हुआ, उसके पीछे कारण ये है कि आई नेवर हैड ट्रस्ट इन एनीवन, आई नेवर हैड फेथ इन एनीवन, आई नेवर फॉलोड एनीवन. इट वाज नॉट दैट कि आई नेवर मेट पीपल हु ट्राई टू हेल्प मी, देयर वर सो मेनी पीपल हु ट्राई टू हेल्प मी, बट मेरे लिए वही था कि या तो ये मिलना चाहिए मेंटर के तौर पर, नहीं तो बाकी और कोई एक्सेप्ट ही नहीं है. वही होता ना, या तो अगर मेरे को केरा अडवानी से शादी करनी है तो केरा अडवानी मिले, नहीं तो कोई और लड़की मिलेगी नहीं. भले ही मेरे बगल में बहुत अच्छी लड़की खड़ी हो और केरा अडवानी से 10 गुना ज़्यादा अच्छी हो, पर चूंकि मेरा आइडिया ऑफ परफेक्शन केरा अडवानी है तो मैं उसी को चाहूँगा और मैं दूसरी लड़कियों को अपने साथ आने वाली सारी चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा. दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम लोग आसपास अपने इतनी सारी ग्लैमराइज चीज़ें देखते हैं कि हम उन्हीं को गोल बना लेते हैं और जो हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं हम उनको मिस करना शुरू कर देते हैं. हम उनको उनके लिए अनग्रेटफुल फील करते हैं और वो हमारी लाइफ से एक दिन चले जाते हैं. जब वो चले जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि लोग कितने अच्छे थे. बिफोर समवन लीव्स यू, यू विल ऑलवेज टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. फाइंड अ मेंटर, दिस इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू. फाइंड अ मेंटर, फाइंड अ गुरु व्हेरेवर यू कैन फाइंड. एंड इट डजंट हैज टू बी मी, मेरे को तो ढूंढना ही मत, क्योंकि एज अ मेंटर आई एम वेरी अनफेथफुल, अनलॉयल. मतलब मैं कोई चीज़ शुरू करूंगा वो चीज़ खत्म नहीं होती. तुमने देखा ही होगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैंने शुरू किए थे और मैं बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता हूँ क्योंकि मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ. तो अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ एंड देन आई स्टॉप डूइंग ऑल द थिंग्स. सो हालांकि वो एक चीज़ है जिसको मैंने पिछले काफ़ी समय में कवर किया है, मतलब मैंने उसको आई हैव गॉटन ओवर इट, जिसकी वजह से मैं काफ़ी लोगों के मोबाइल के जवाब नहीं देता, मैसेज के जवाब नहीं देता, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट अफेक्टेड बाई अदर पीपल्स ओपिनियन. सो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं दूसरों की ओपिनियन से अफेक्ट हो रहा है मेरे को,
सो इट्स बेटर नॉट टू टॉक टू देम. आप उस तरफ ध्यान ही मत दो. तो जैसे एक बहुत फेमस लाइन है ना कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो. तो वैसे ही मैंने डिसाइड किया कि इफ़ आई कैन नॉट अवॉइड माई माइंड, इफ़ आई कैन नॉट चेंज माई माइंड इन टू थिंकिंग एवरीथिंग दैट अदर पीपल विल टेल मी एंड एवरी टाइम समवन टॉक्स टू मी और चेंजेस माई माइंड, वाई नॉट स्टॉप दिस इनकरिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज. मतलब लोगों से बात ही करना बंद कर दो, यूट्यूब देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम करना बंद कर दो, ट्विटर करना बंद कर दो, क्योंकि वो सब जो है वो एक ऐसे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो इररिलेवेंट है, जिसमें एक्चुअली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, पर वो आपको एक ऐसा एडलिन फ्लो देता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कुछ ग्रहण कर रहे हो, आपको आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है और आप एक बेटर ह्यूमन बींग बन रहे हो, पर ऐसा कुछ है नहीं. वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको दिया जाता है इंटरनेट के थ्रू. सो वो सारी चीज़ें बंद कर दो, ज्ञान लेना बंद कर दो, किसी भी एंगल से ज्ञान लेना बंद कर दो. जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो आपके अंदर है, एंड फाइंड वन मेंटर, वन गाय दैट यू कैन अल्टीमेटली बिलीव इन, दैट यू कैन बिलीव दैट दिस गाय कैन चेंज माई लाइफ एंड यू हैव टू हैव अटमोस्ट ट्रस्ट इन देम. जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे पीछे पड़ रहे थे कि सर ये ऐसा करना है वैसा करना है, हो सकता है कोई मेंटर आपका बोले अगर मैं उनसे 500 रुपये मांग लूँ तो देन दे विल स्टार्ट डाउटिंग मी. वो ऐसा बोलेंगे कि सर पैसा मांग रहे हैं इसका मतलब उनका कोई अल्टीमेट मोटिव है, पैसे के लिए कौन वो करता है. बट अगर तुम्हारा मेंटर तुमको ये बोलता है कि जो जॉब तुम कर रहे हो वो छोड़ दो और मेरे लिए 5,000 रुपये लेके आओ, देन ब्रिंग दैट मनी. तो आई एम नॉट सेइंग कि स्कैमर्स के पीछे जाओ, इतना सेंस तुम्हारे अंदर भी होगा, तुम्हें ही पता होगा कि आदमी किस तरीके का है, वो तुम्हारा दिमाग तुमको गाइड कर देगा. बट अगर तुम्हारा मेंटर तुम्हें जो भी कुछ करने को कहता है, इवन मैं तो कहता हूँ तुम बेवकूफ़ बन जाते हो उसमें, मतलब कि मेंटर जो तुम्हारा है वो तुमको बेवकूफ़ बना देता है, तुमसे पैसे ले लेता है, ये करता है वो करता है. थिंक ऑफ इट इज यूज, तुमने गुरु दक्षिणा दी है. अब ये एडवाइस मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी क्योंकि उन्होंने अभी वो लाइफ नहीं देखी है. बट जो कंप्लीट समर्पण है ना, कंप्लीट डेडिकेशन है, वो तभी होगा जब व्हेन यू डोंट हैव एन आयोटा ऑफ डाउट. यू माइट लूज मनी व्हेन यू हैव अ रॉन्ग मेंटर, बट व्हाट यू विल गेन इज द अल्टीमेट फेथ इन समथिंग. अगर तुम 1-2 महीना भी किसी चीज में अल्टीमेट फेथ रख लेते हो और तुम सब कुछ समर्पण कर देते हो उसको, यू विल बिकम अ मैन ऑफ हायर वैल्यूज. तुम जिंदगी में कभी फेल हो नहीं सकते. सी, डू नॉट थिंक ऑफ मनी एज समथिंग विच इज very precious that you cannot earn again. The moment you say I don't want to spend money is the moment you say that you do not trust your destiny and you think that the more money is not going to come into your life. So don't do that. Whatever it is with you, complete समर्पण का मतलब ये है कि वो तुम्हें कुछ भी करने को कहे आप उसको करोगे. जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि बहुत सारे लोग स्कैमर्स होते हैं, बाबा लोग होते हैं या कोई ऐसा मेंटर हमने ढूंढ लिया जो हमारा एडवांटेज ले रहा है. आई वुड सजेस्ट दैट लेट हिम टेक योर एडवांटेज, बिकॉज इन दैट मोमेंट वेन ही विल बी टेकिंग योर एडवांटेज यू विल लर्न समथिंग विच यू हैवंट लर्न बिफोर. तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन सब चीज़ों से. अब ये सब बातें मुझे पता नहीं, बोलते बोलते ऐसा लग रहा है कि तुम लोग उसको डाउट करोगे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों को लेके. बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू इन एनी अदर वर्ड्स. मतलब मैं तुमको वो चीज़ बता ही नहीं सकता कि तुम लोगों को क्या हासिल होगा इफ़ यू हैव अल्टीमेट फेथ. अगर तुम्हें मेंटर नहीं मिलता है तो एकलव ने जो किया था, तुम्हें डर भी लगता है कि यार कोई बंदा मुझे स्कैम कर सकता है, कोई ये कर सकता है, कोई मेरा एडवांटेज उठा सकता है, जैसे कि तुम लोग बहुत महान आदमी हो. जैसे अच्छा ये भी बड़ी अजीब चीज़ है ना कि जब हम लोग सोचते हैं ना कोई हमारा एडवांटेज ले लेगा तो हमारे हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो सेल्फ ईगो है कितना इंपॉर्टेंट है ना कि कोई हमारा इस्तेमाल कर लेगा, हम कितने तो यूज़फुल हैं किसी आदमी के लिए. तो पहली बात तो ये सेल्फ ईगो और सेल्फ ऑब्सेशन हमें हटाना चाहिए कि हम बहुत यूज़फुल हैं दूसरों के लिए कि कोई हमारा इस्तेमाल कर लेगा. क्या इस्तेमाल कर लेगा? तुमसे 4 काम करा लेगा, तुमसे 4 पैसे ले लेगा, इसके अलावा तुम्हारा क्या इस्तेमाल कर सकता है? जब तुम स्वेच्छा से सब कुछ त्याग देते हो, जब मैं ये पढ़ता हूं, क्या कहते हैं, सनातनी धर्म पढ़ता हूं, से वो बोलते हैं कि अपने डिजायर्स का त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ दो, किसी चीज के लिए मत करो, सिर्फ सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो और सिर्फ कार्य करो. तो जो गीता में भी अर्जुन ने बोला है कि तुम युद्ध इसलिए मत लड़ो कि तुम्हें राज्य चाहिए या तुमको युद्ध जीतना है, तुम युद्ध इसलिए लड़ो क्योंकि तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि कार्य है, तुम्हारा काम है. तो जब आप अपने सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं ना, आपको सब चीज़ों से प्यार होना बंद हो जाता है, उन मायावी चीज़ों से दुनिया में एक्सेस करती है उनसे प्यार होना बंद हो जाता है. अभी थोड़ा प्रवचन टाइप लग रहा होगा बट सुनो, जब आप उन सब चीज़ों का त्याग कर देते हो तो आपकी ना आपको डर खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ का. आपको ये नहीं लगता है कोई आपका एडवांटेज उठा रहा है, बिकॉज यू विल बेनिफिट फ्रॉम एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. आपका ही फायदा होगा, कोई आदमी तुमसे कुछ नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता, कोई भी ऐसी चीज़ जो वैल्यू की नहीं ले सकता. अब सलीम खान ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी जो मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कहानी. कि एक बार सलीम खान जो सलमान खान के फादर हैं उन्होंने कहानी सुनाई थी, बड़ी अच्छी कहानी है. और कहानी ये थी कि एक बार भगवान के पास लक्ष्मी जी पहुंची, उन्होंने बोला कि मुझे उस पर्टिकुलर घर जाना है, तो वो भक्त मुझे बुला रहा है. तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओगी ज़रूर, पर जब भी मैं तुम्हें बुलाऊँगा तुम्हें वापस आना पड़ेगा.
तो लक्ष्मी जी कहती है ठीक है, वो वरदान देते हैं, वो चली जाती है उनके घर पे। फिर सरस्वती जी उनके पास जाती है, मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मुझे उनके जाना पड़ेगा। तो सरस्वती जी को वो कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से जा रही हो और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम वहाँ से, तुम जहाँ जिस जगह जाओगी वहीं पर तुम रहोगी और सदा वहीं पर रहोगी, तुम्हें कोई भी बुला नहीं सकता वहाँ से। तो कहने मतलब ये है, जो एक सिंपल सी थ्योरी एक कहानी के स्वरूप में बताई गई है वो ये है कि जो पैसा है, जो लक्ष्मी है, वो किसी घर भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, पर जो सरस्वती है, जो नॉलेज है, जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग है, जो फेथ है, वो एक बार आ गया इंसान के अंदर तो वो नहीं जा सकता। सो दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ मैन ऑफ कैरेक्टर, टू बिकम अ मैन ऑफ हैबिट्स, टू बिकम अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, रदर देन बिकमिंग अ मैन हु हैज लॉट ऑफ मनी। बिकॉज इफ यू हैव राइट डिसिप्लिन, इफ यू हैव राइट फेथ, इफ यू हैव राइट माइंड सेट, देन any amount of money you can gain in this world, because money is nothing but the things that you get in the value of the things that you give to the world, nothing else. well money kya hai, jab tum kisi cheezon ko value dete ho, duniya ko dete ho, duniya usko respond karti hai paison ke through. so if you become a man of value and you are giving that value to the other people, they will respond it by giving you the money. kitna aasan hai ye cheez ko samajhna. so गो एंड फाइंड अ मेंटर. आई होप तुम लोग मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी. बाकी तो मैंने कोशिश की समझाने की, पर जो मेरे दिमाग में थॉट है ना उसको समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि 90% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल फ्रॉम बॉडी. सो 10% जो है वो बताया जाता है, इसलिए मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है कोई भी चीज़ बताना या लिखना, क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है आप उसका एक परसेंटेज ही लोगों को बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो, और उसमें से भी लोग अपने हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है. जैसे मेरी बात पे भी तुम लोग 100% भरोसा नहीं करोगे, कोई भी सब्सक्राइबर होगा, कोई भी इंसान होगा मेरी बात पे 100% भरोसा नहीं करेगा. वो कहेगा अपने हिसाब से चूज करेगा, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ. आगे 10 साल बाद 15 साल बाद जाके उसको रियलाइज होगा कि उस आदमी ने जो कहा था वो सही था, पर तब तक लेट हो चुका होता है. सो मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, और जो मैं कह रहा हूँ उसको शब्द बाई शब्द याद रखो. दैट इफ़ यू फाइंड द राइट मेंटर, डेडिकेट योर सेल्फ टू दैट पर्सन, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट डन एनीथिंग, बट इफ यू फ्रॉम हार्ट थिंक ऑफ दैट पर्सन एज योर गुरु, एज योर मेंटर, देन डू एनीथिंग दैट गाय सेज दैट यू शुड डू. And do not think about it whether what he's asking you is right or wrong. Just do it and you will get anything in life. Anything in life. With that note, I end this video. Jaldi milte hain agle vlog mein. Bye bye.